तो दोस्तों अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो जनरली एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको इंटरनेट में यूजेज के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी, जैसे कि आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा होगा एंड मे भी कई सारे ऐसे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिससे आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स जो है यूज करने चाहिए जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आपके डिवाइस में जो है क्रिएट हो। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप वाइज मिलने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स का लिंक प्रोवाइड करवाया गया है, उनको जोर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ आपको करना क्या होगा। देखिए इन सेटिंग्स को आप तभी यूज करिए जब आपका इंटरनेट डेटा यहाँ पे ऊपर की साइड में आपका डिसेबल हो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको बंद किया हुआ है तो आप भी यहाँ पे जैसे ही आपका इंटरनेट का आप ऑप्शन जो है डिसेबल करते हैं तो देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीसेट फोन मिलता है, इस पर सिंपली टैप करना है और उसके बाद आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग मिलता है, इसको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जो चूज करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि इस रीसेट वाले सेटिंग पे क्लिक करके इसको जो है ओके कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब जैसे आप करेंगे तो आपका जो इंटरनेट की सेटिंग है मतलब कि नेटवर्क की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन मोबाइल नेटवर्क सेटिंग है तो मेन मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग हमारी रीसेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो अब आपको करना क्या होगा कि सिंपल यहाँ पे आपको वापस से चले जाना है यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन में। एंड दोस्तों जैसे आप मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में सिम का स्लॉट मिलता है, जिस भी सिम में आपको प्रॉब्लम मिल रही है इधर एक मिलता है इधर दो मिलता है, तो जिस भी मोबाइल में आपको प्रॉब्लम मिल रही है जिस भी सिम में तो उसमें सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको APN का यहाँ पे एक जो है सेटिंग मिलता है, सिंपली इसको ओपन करना है और ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप इस APN की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये APN की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिंपली इस यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेटिंग में चेकआउट कर लेना है, नीचे की साइड में आना है एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन जो है जरूर से आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे ये APN का ओपन हो जाए तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे बैरियर का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर सिंपली टैप करना है और यहाँ पे आपको LTE पे चूज कर लेना है, ठीक है। नॉट स्पेसिफाइड होगा तो LTE चूज कर लेना है। LTE चूज करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे बैक लेना है। अब जैसे ही आप बैक लेंगे तो यहां पे टिक मार्क का एक ऑप्शन आता है, सिंपली इसको टिक कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहां पे आपको सिंपली इसको यहां पे मिनिमाइज करना है और ऊपर वापस से आपको यहां पे आना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद यहां पे एप्स में आना है आपको, ठीक है। एप्स में आने के बाद यहां पे आपको आना है एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आना है, उसके बाद आपको यहां पे शो सिस्टम पे टैप करना है, उसके बाद आपको यहां पे सर्च करना है इंजीनियर नेटवर्क को, ठीक है। ये देख सकते हैं इंजीनियर नेटवर्क मिलता है, इसको सिंपली ओपन करना है, उसके बाद आपको इसको जो है यहां पे क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको सिंपल बैक आना है और सिंपल यहां पे अगर फोर्थ स्टॉप दिख रहा है तो इसको फोर्थ स्टॉप सिंपली कर देना है। इतना करने के बाद आपको अब अपने डिवाइस को एक बार यहां पे लॉन्ग प्रेस करके जो है रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और यहां पे रीस्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपल यहां पे रीस्टार्ट कर देना है। अब जैसे आपका डिवाइस यहां पे रीस्टार्ट हो जाएगा तब तक आपको वेट करना है जब तक आपका डिवाइस रीस्टार्ट होता है। तो चलिए फिलहाल हम वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा डिवाइस यहां पे टर्न ऑन होता है। तो अब यहाँ पे हमारा डिवाइस टर्न ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऐसे होती हैं जिनको आपको जरूर से यूज करना चाहिए और देखिए इन सेटिंग्स को यूज तभी आप करें जब आपके एरिया का नेटवर्क ठीक हो और आपके ही फोन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपके ऑपरेटर में बाय द वे अगर नेट नहीं चल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल इशू होता है, तो मे भी आपको ऐसे टाइम में जो है आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए अपने नेटवर्क ऑपरेटर को, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क ऑपरेटर ठीक है, सही से वर्क कर रहा है, आपके दूसरे डिवाइस में सही से आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है और आपके फोन में वर्क नहीं कर रहा, तो आपको ऐसे में वेट करना है जब तक जो है यहाँ पे आपका मतलब जो सेटिंग्स मैंने बताई इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे ऑपरेटर ही आपके ऑपरेटर में प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसी सिचुएशंस में करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको वेट करना है, अपने ऑपरेटर से जो कांटेक्ट करना है उनसे सारी डिटेल्स शेयर कर देनी है। तो दोस्तों होपली आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।